सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज के इस वीडियो में अगर बात करें तो वीडियो जो है वो रहने वाली है किसके ऊपर, मालदीव के ऊपर। देखिए अभी क्या हुआ है कि मालदीव को लेकर जो ट्विटर है, ट्विटर का अब नया नाम जो है वो एक्स है और पुराना नाम उसका मतलब वो ट्विटर ही है, ठीक है ना। तो उस पर एक जो ट्रेंड है वो चल रहा है, कौन सा, बॉयकॉट मालदीव। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये इस वीडियो को, मतलब इस ट्रेंड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और ये ट्रेंडिंग पर चीज़ चल रही है, कौन सी, बॉयकॉट मालदीव्स। ऐसा क्यों है, क्या ऐसा हुआ है, वो सारा हम आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो बॉयकॉट मालदीव है वो एक ट्रेंडिंग पर वो चल रहा है, कहाँ पर वो चीज़ ट्रेंडिंग में जा रही है, कहाँ पर, ट्विटर के ऊपर, मतलब एक्स के ऊपर, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे इंडियंस जिसमें सेलिब्रिटीज़ हो गए, उन्होंने क्लेम किया कि वो जितनी भी उनकी प्लान ट्रिप्स हैं मालदीव में, आपको पता है क्या होता है, नहीं पता तो इसमें खैर आपको पता ही होगा, इसमें मैं यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है ना। मालदीव जो है जिस तरह से हम जाते हैं कहाँ पर, इसमें बीचेस पर जाते हैं या फिर अगर हम जाएंगे आइलैंड इसमें सोथन साइड पर, ठीक है ना, तो बीचेस वगैरह को इंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। मालदीव मतलब चलिए आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो वो वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जो प्लान ट्रिप्स हैं वो सारी कैंसिल कर दी हैं, ठीक है। अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ की उस जगह की इकॉनमी जो है वो क्या होती है, बूस्ट होती है, इकॉनमी जो होती है बढ़ती है, ठीक है ना। और उसी के चलते जो यहाँ पर इंडियन जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने क्या कर दिया, मतलब उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। उसी के चलते हुए यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है, मतलब जो कंट्रोवर्सी रही है वो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर, देखिए, ठीक है। जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है जब मालदीव के MP जाहिद रमीज ने मॉक किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिसेंट विजिट टू लक्षद्वीप। देखिए अभी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने लक्षद्वीप में क्या किया है, इसमें एक आइलैंड है लक्षद्वीप, ठीक है ना, जिस तरह से अंडमान निकोबार है वैसे एक लक्षद्वीप ही है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस लक्षद्वीप को विजिट किया और फिर वहाँ पर जाकर ये मसाज वगैरह भी करवाई है इन्होंने, ठीक है ना, अपने जो मोदी जी हैं, ठीक है। उसी के चलते जो मालदीव के जो एक मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, मतलब MP हैं, उनका नाम है जाहिद रमीज, उन्होंने मोदी जी को क्या किया, मॉक किया, मतलब इन पर काफ़ी ज़्यादा जैसे एक मजाक उड़ाना, ठीक है ना, तो वो किया। तो उसी के चलते फिर जो इसमें इंडियन में अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करें या फिर ऐसे एक प्लेयर भी हैं जिनका नाम है हार्दिक पांड्या, ठीक है ना, उन्होंने भी इस चीज़ को पूरा किया, मतलब अपनी इसमें बात रखी है इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसमें अगर बात करें तो ये चीज़ रही है, ठीक है ना। अब अगर इसमें दूसरी अगर आपको स्लाइड बताऊँ तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं एक्सट्रीमली सैड टू सी व्हाट इज़ बीइंग सैड अबाउट इंडिया। हार्दिक, देखिए ये हार्दिक पांड्या है, उन्होंने मालदीव के ऊपर जो जिस तरह से अभी ट्रेंडिंग पर ये चीज़ चल रही है, उन्होंने भी अपनी बात को यहाँ पर बहुत, मतलब दूसरी बातों के साथ इनकी बात भी वहाँ पर जुड़ी, इनकी बात भी रखी गई। और इनका कहना है कि बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही दुख हुआ जब ये चीज़ जानने के बाद, ये सुनने के बाद कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, मतलब उनके बारे में क्या कहा गया सारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो उसी इसमें देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए इसमें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ यहाँ कहाँ यहाँ देखा, एक्सट्रीमली सैड टू सी व्हाट इज बीइंग सैड अबाउट इंडिया शेयरिंग ए पिक्चर लक्षद्वीप शेयर विद गॉर्जियस मैरीन लाइफ। उन्होंने कहा कि जो हार्दिक पांड्या गॉर्जियस मैरीन लाइफ है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं लक्षद्वीप, परफेक्ट गेट अवे स्पॉट एंड शिली। और इन्होंने कहा कि मैं उसको ज़रूर जो मेरा नेक्स्ट हॉलीडे होगा, तो मतलब नेक्स्ट प्लान जो मेरी ट्रिप होगी वो कहाँ की होगी, लक्षद्वीप की होगी, ये भी किसी को सपोर्ट करने लगे लक्षद्वीप के लिए, ठीक है ना। और उधर अगर हम देखेंगे तो वो मतलब उसके लिए क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं किसको, मालदीव को। लेकिन अभी देखें आप ये तीन लोग हैं जिन्होंने क्या किया है इसके ऊपर, क्या किया है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके ऊपर क्या किया है, उन्होंने कमेंट किया है, ठीक है ना, मतलब हंसे हैं वो उस मॉक किया है। और अब देखिए अगर आप पूरी इसकी डिटेल में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी मतलब जैसे एक आम इंसान जा रहा है मसाज वगैरह कराने के लिए, मतलब क्या कह सकते हो, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, मसाज किस किस्म की हो सकती है, कैसी मसाजें होती हैं, ठीक है ना, वो सब आप जानते होंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसी के चलते मालदीव जो है उसने क्या कि आपने तीन मिनिस्टर का कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने डेरोगेटरी मतलब एक क्या कहते हैं उसको, तोहीन आमेज़ जो वर्ड्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, यूज़ किए, ठीक है। और उसी के चलते उन जो मिनिस्टर्स MPs हैं उनको मालदीव गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए अगर इनके नाम की बात करें तो वो हैं मरियम शिवना मलशा और
महजूम माजिद, ठीक है ना, इन सबको क्या कर दिया, मतलब इन्होंने नरेंद्र मोदी और इंडिया को, इंडिया के ऊपर उन्होंने क्या डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं वो बोले हैं, ठीक है ना, और उसमें उसी के चलते फिर जो मालदीव गवर्नमेंट उसने मिनिस्टर को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना। और मालदीव ने एक इशू जो है, मतलब एक स्टेटमेंट जो है वो सामने लाई है, और उसमें कहा कि जो ये मिनिस्टर्स ने जो सब कुछ कहा है ये उनका पर्सनल ओपिनियन है और ये कोई गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ठीक है ना, और ना ही ये गवर्नमेंट ऑफ मालदीव का कोई ऐसा व्यू को जो है आप इसको मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ मालदीव के व्यू को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ना ही ये इसमें गवर्नमेंट मालदीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनका पर्सनल ओपिनियन है। तो इस चीज़ पर लेकर मतलब उन्होंने सॉरी ही कहा है, ठीक है ना, और जो इंडियन हाई कमीशन है उसने रिपोर्ट किया, मतलब इस चीज़ को लेकर जो इसमें कंसर्न जो है वो रेज किए, ठीक है ना, मालदीव गवर्नमेंट के साथ इसमें माले में, ठीक है ना, मालदीव जो है ये मालदीव की क्या है कैपिटल है, जैसे इंडिया की है दिल्ली, ठीक है ना, जैसे हमारी है दिल्ली, उसी तरह से जो माले मालदीव की कौन सी है, माले है, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर बात करें ना तो मतलब जो मालदीव गवर्नमेंट है उसने कहा, उसने सॉरी ही कहा, ठीक है ना। अब इसमें देखें वही चीज़ है, यहाँ पर ओपिनियंस आर पर्सनल, मालदीव्स आर, ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो ओपिनियंस है वो पर्सनल हैं, तो जो उन्होंने जो भी डेरोगेटरी मार्क्स यहाँ पर मोदी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कहे हैं वो एक उनका पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना, पर्सनल ओपिनियन है, उसका गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहना उसकी गवर्नमेंट का, और उसी के चलते उन्होंने क्या कर दिया, उन तीनों को क्या कर दिया, सस्पेंड भी कर दिया, ठीक है ना। सो यही थी अभी तक जो ट्रेंडिंग पर, अगर हम देखेंगे जिस चीज़ को ट्रेंड किया जा रहा है ट्विटर के ऊपर, मतलब एक्स के ऊपर, तो वो ये चीज़ है, ठीक है ना, उसी चीज़ को लेते हुए मतलब इस वीडियो को आपको लाना और दिखाना बनता था, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। सो यही थी अभी तक हमारी अब तक की छोटी सी एक पेश के चुका प्रसाद पेश की है, ठीक है, कैसी लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल पर जुड़ जाएँ, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है, चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।